क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं, वो लोग बना हुआ खाना खिला जाते हैं, लेकिन वो दिन का तो मिल जाता है, लेकिन रात का भरपेट बनाने के लिए उनको दिक्कत आती है। और जैसे हमारे महापुरुषों ने कहा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या भगवान बुद्ध की प्रेरणा थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। देश में लॉकडाउन के बाद से गरीब लोगों के सामने भूख की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, और हरियाणा में काफ़ी ऐसे परिवार के लोग हैं जो अन्य राज्यों से रोजी रोटी कमाने के लिए फरीदाबाद में रह रहे हैं। और कोरोना वायरस की वजह से यहां लॉकडाउन के बाद बहुत परिवार परेशान हैं, वह उनके पास घर चलाने के लिए संसाधन नहीं हैं। इसी कड़ी में गांव दयालपुर के जाटप समाज के लोगों ने गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है, और आज जाटप समाज के लोगों ने फरीदाबाद के सेक्टर 49 में बुद्ध विहार 3 नंबर में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के लोगों के लिए खाने की सामग्री वितरित कर लोगों की मदद की। मेरा नाम सुरेंद्र करदम है, गांव दयालपुर है। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग सौदान नंबरदार जी, मास्टर रिटायर्ड हैं, जो जिनकी प्रेरणा से हम आज ये काम कर रहे हैं। इनके साथ हमारे भाई, हमारे रघुवीर प्रधान जी, जो जाटम महासभा के प्रधान हैं, पृथला विधानसभा से फरीदाबाद के, उनके साथ है मैडम हमारी जो रेड क्रॉस सोसाइटी से सरोज बालाजी आई हैं, इनका भी हमारे को सहयोग मिला। हमारे भाई दीपक जी नौजवान जी, और गांव दयालपुर की तरफ से हमारी पूरी नौजवान टीम इस सहयोग से, जो कोरोना वायरस का महामारी चली हुई है, और इस महामारी के टाइम में, जो गरीब लोग परेशान हैं, जिनको रोजी रोटी की दिक्कत आ रही है, रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हमारे को कुछ लिस्ट मिल जाती है, इनके सहयोग से हम उन गरीब लोगों तक पहुंच जाते हैं। और ये हम गांव के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से, अपने सहयोग से घर घर तक कोशिश कर रहे हैं कि हर गरीब के पास ये सामान पहुंचे, जिसमें हम सामग्री दे रहे हैं आटा और चावल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं, वो लोग बना हुआ खाना खिला जाते हैं, लेकिन वो दिन का तो मिल जाता है, लेकिन रात का भरपेट बनाने के लिए उनको दिक्कत आती है। और जैसे हमारे महापुरुषों ने कहा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या भगवान बुद्ध की प्रेरणा थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की प्रेरणा पर चलकर सर्वजन हिताय कि सभी का हित हो और सभी सुखी रहें, इसलिए सभी कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे, इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं। अच्छा कदम जी, इसमें समाज का ही सहयोग है, कोई संगठन भी कोई शामिल है क्या? ये हमारे सामाजिक, हमारा जो दलित समाज है, जाटम महासभा के साथी हैं, या हमारे बुजुर्ग मास्टर जी सौदान जी नंबरदार जी हैं, इनका सहयोग है, और हमारे को प्रेरणा देने के लिए, हमारे को रास्ता बताने के लिए, जगह जगह कहाँ पे लोग भूखे हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी से सरोज वाला मैडम जी हैं। ओके, अच्छा ये कब तक चलेगा ये प्रोग्राम आपका? कुछ कोई आपकी कोई नीति हो, और कोरोना वायरस से कैसे आपका क्या कदम है कोरोना वायरस के लिए? जब तक ये इसमें महामारी का रोग में लॉकडाउन रहेगा, तब तक हम ये सामग्री वितरित करते रहेंगे, समाज से सहयोग लेते रहेंगे, और हम इस समाज की सेवा करते रहेंगे। और जैसे कि सरकार चाहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला, कि इस कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एक दूरी बना, समाज में एक दूसरे से दूरी बनाए रखना ही इसका एक रोकथाम है, और इसकी कोई बचाव है। और हम भी लोगों से अपील करते हैं कि लोग अपने घरों में बने रहें, और हमारा नंबर है 9911697765। गुरु जी आप अपना नंबर बताइए। 9811902876 9899552326। इन नंबरों पर कोई भी साथी फ़ोन करके हमारे को बता सकते हैं, कहीं पे कोई समस्या होती है, किसी के पास खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम उनके पास खाने की व्यवस्था पहुँचाएंगे। ठीक, जय भीम जय भारत। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।